आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में बारिश के बाद हुए 5-5 ओवर के मुकाबले में रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ का आया तूफान। टीम इंडिया ने आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर ऐसे जीता मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की शुरुआत में बारिश हो गई, लेकिन इसके बाद अंपायरों ने 5-5 ओवर का मैच कराया, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली, जहां पर टीम इंडिया के सामने 90 रनों का विशाल लक्ष्य था 5 ओवर में, लेकिन इस आखिरी ओवर में 22 रन बनाकर इस मुकाबले को टीम इंडिया ने जीत लिया। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ की तूफानी बल्लेबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों, आज के मुकाबले में टॉस काफ़ी देरी से हुआ, क्योंकि शुरुआत से ही इस मुकाबले में बारिश बाधा बनती हुई नजर आई, लेकिन बारिश के बाद जब अंपायरों ने एक बार फिर मैदान का निरीक्षण किया तो यहाँ पर 5 ओवर का गेम देखने को मिला, जहाँ पर टॉस की बात करें तो सिक्का उछाला पॉल स्टर्लिंग ने, तो गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनकी टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान पॉल स्टर्लिंग, तो उनके साथ एंड्रयू बलबर्नी थे। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम को कमाल की शुरुआत दिलाई और पहले ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन चौके के साथ आगाज किया पारी का, और इसके बाद तो शानदार बल्लेबाजी जारी रही दोनों बल्लेबाजों की पहले ओवर में, और पहले ओवर में 2 चौकों की बदौलत दोनों बल्लेबाजों ने 11 रन बनाए। तो वहीं पर दूसरे ओवर में एंड्रयू बलबर्नी ने अर्शदीप सिंह की शुरुआती 2 गेंदों पर 2 बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए चौके जड़े और इस ओवर में 14 रन बनाने में कामयाब हुई आयरलैंड की टीम। लेकिन इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर आयरलैंड की टीम को पहला झटका दिया प्रसिद्ध कृष्णा ने और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी 25 रनों के स्कोर पर। वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज टक्कर क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही पहली गेंद पर कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसकी अगली गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि ओवर की आखिरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर इस ओवर में कमाल की बल्लेबाजी की। वहीं पर इसके बाद दोस्तों, चौथे ओवर में रवि बिश्नोई के ओवर में कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली बॉल बढ़ने के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने इस ओवर में 4 गेंदों पर लगातार 4 बेहतरीन चौके जड़े, जिनमें से 2 बेहतरीन स्विप शॉट भी देखने को मिले, जबकि इस ओवर में आखिरी गेंद पर एक छक्के के साथ ही टोटल 22 रन बनाने में वो कामयाब हुए और भारतीय टीम के सामने बड़ा स्कोर देने की यहीं से उन्होंने ठान ली, क्योंकि अब स्कोर 65 रन हो चुका था 4 ओवर की समाप्ति के बाद। लेकिन दोस्तों, आखिरी ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी रही यहाँ पर आयरलैंड के बल्लेबाजों की, और इस ओवर में भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वाशिंगटन सुंदर के ओवर में 24 रन बटोर लिए और इसी के चलते यहाँ पर 89 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया भारतीय टीम के सामने। शानदार बल्लेबाजी की एंड्रयू बलबर्नी ने और उनके साथ यहाँ पर टक्कर ने, और दोनों बल्लेबाजों की कमाल की बल्लेबाजी के दम पर ही भारतीय टीम के सामने विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई आयरलैंड की टीम। वहीं पर इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे ऋतुराज गायकवाड़, तो उनके साथ थे रिंकू सिंह। एक नई ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरी तो यहां पर कमाल की शुरुआत रही। पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने सामने शानदार छक्का रखा व्हाइट की गेंद पर। पहला ओवर डालने आए व्हाइट की पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर बेहतरीन आगाज कर दिया टीम इंडिया का। तो वहीं पर दोस्तों, इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका देखने को मिला रिंकू सिंह के बल्ले से भी। तो वहीं पर इस पहले ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 15 रन टीम इंडिया ने बटोरे। तो वहीं पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर एक कमाल का कवर ड्राइव देखने को मिला ऋतुराज के बल्ले से। तो वहीं पर इसी ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक और बेहतरीन चौका यहां पर रिंकू सिंह ने भी लगाया, जो कि काफ़ी शानदार तरीके से गैप में गया, और इस ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। यानी कि इस ओवर में 16 रन भारतीय टीम ने बटोरे और 2 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर 31 रन हो चुका था। अब टीम इंडिया इस मुकाबले में मजबूत पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज कमाल की शुरुआत कर चुके थे। लेकिन इसी बीच तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने एक और शानदार शॉट खेला और विकेट के पीछे शानदार तरीके से गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद तो उनके कमाल का एक सामने शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तीसरा ओवर तो टीम इंडिया के लिए कमाल का रहा, जिसमें
तीन चौके और एक छक्कों की बदौलत टीम इंडिया ने इस ओवर में 19 रन बटोर लिए और भारतीय टीम का स्कोर तीन ओवर की समाप्ति के बाद अब 50 रनों तक पहुंच गया था। आखिरी दो ओवर में मुकाबला जीतने के लिए टीम इंडिया को 40 रनों की जरूरत थी, तभी यहां पर भारतीय टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चौथे ओवर की पहली गेंद पर शानदार छक्का ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ने अगली गेंद पर तीन रन लिए, लेकिन इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। एक बार फिर शानदार शॉट खेलते हुए स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को चार रनों के लिए भेजा ऋतुराज गायकवाड़ ने। और इस ओवर में भी भारतीय दोनों बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 18 रन बटोर लिए, जिसके चलते अब भारतीय टीम को आखिरी ओवर में 22 रनों की जरूरत थी, लेकिन अब स्ट्राइक पर आ चुके थे रिंकू सिंह। उम्मीद के मुताबिक रिंकू सिंह से ही उम्मीद थी कि इस मुकाबले को वो समाप्त करेंगे, लेकिन आखिरी ओवर डालने आए जोशुआ लिटिल के ऊपर भी जिम्मेदारी थी आयरलैंड की टीम को मुकाबला जिताने की। भारतीय टीम बल्लेबाज पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे क्योंकि काफी शानदार बल्लेबाजी वो कर रहे थे, लेकिन यहां पर जोशुआ लिटिल के आखिरी ओवर की पहली गेंद पर शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को चार रनों के लिए भेज दिया रिंकू सिंह ने और बेहतरीन चौका के साथ ही बेहतरीन आगाज कर दिया। वहीं पर दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये तो कमाल का शॉट था जो उनके बल्ले से देखने को मिला। अब दो गेंदों पर 10 रन रिंकू सिंह बना चुके थे, तभी तीसरी गेंद पर भी उन्होंने 2 रन लिया। इसके बाद दोस्तों बची हुई तीन गेंदों पर अब चाहिए थे टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए 10 रन, लेकिन तभी रिंकू सिंह के बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब भारतीय टीम जीत से सिर्फ 4 रन दूर थे और अभी भी 2 गेंदें बची हुई थी। रिंकू सिंह के लिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था और आखिरी गेंद पर उनको अर्धशतक पूरा करने के लिए भी 6 रनों की जरूरत थी। तभी एक शॉट गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए एक बार फिर यहां पर स्टैंड में डिपॉजिट किया और इस शानदार छक्के के साथ ही ना सिर्फ उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई जबकि अपना तूफानी अर्धशतक भी पूरा कर लिया और भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीत लिया। एक गेंद शेष रहते हुए कमाल की जीत टीम इंडिया को मिली, जहां पर रिंकू सिंह ने मात्र 13 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो दोस्तों आपको रिंकू सिंह और ऋतुराज गायकवाड़ की ये तूफानी बल्लेबाजी कैसी लगी, आप हमें अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।